चार धाम यात्रा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और आप सभी जानते भी होंगे। हिंदुओं के एक तरह से पवित्र तीर्थ स्थल भी माने जाते हैं, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि कोई कितना भी पाप कर ले, अगर चार धाम की यात्रा कर ली तो वो पाप धुल जाते हैं। देखिए कहा जाता है, अब कितना धुलते हैं कितना धुलते हैं नहीं धुलते हैं इस पर हम लोग ज़्यादा बहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक तो यमुनोत्री के बारे में सुना होगा, गंगोत्री के बारे में सुना होगा, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इन चारों को जोड़ने की बात की जा रही है, और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है आपको बता दूं कि अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने पहले के आदेश को संशोधित कर दिया गया और चार धाम सड़क परियोजना के एक भाग के रूप में तीन राजमार्गों पर चौपहिया वाहनों के मार्ग को 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दी गई। और इससे पहले आपको बता दूं कि जो शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में इस चौड़ाई को 5.5 मीटर तक सीमित करने का निर्देश दिया था, अब उसे बढ़ाकर कह दिया गया कि आप 10 मीटर चौड़ी सड़क यहां बना सकते हैं इन चारों को जोड़ने के लिए। और इसमें अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने एक अन्य तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सितंबर 2020 में जारी एक आदेश में संशोधन किया है। इससे पहले आपको बता दूं कि जो सितंबर 2020 में एक आदेश जारी किया गया था और जिसमें निर्देश दिया गया था कि उत्तराखंड में 899 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क के भाग के रूप में निर्मित किए जाने वाले तीन राजमार्गों पर चौपहिया वाहनों के मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर तक रहना चाहिए, ये पहले का निर्णय था। लेकिन आपको बता दूं कि अब दोबारा इसे बदल दिया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा अदालत के इस निर्णय की समीक्षा के लिए किए जाने की मांग की गई थी, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार की मांग के अनुरूप सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर तक किए जाने का फैसला सुनाया है, और जिससे इन राजमार्गों को डबल लेन बनाए जाने का मार्ग साफ हो चुका है। यानी कि आप समझ रहे हैं, आप लोग पहले एक तरह से आप कह सकते थे कि आसानी से लोगों की आवाजाही नहीं हो सकती थी, अब तो डबल लेन बनाई जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग आराम से तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। चीन सीमा से जुड़ने के लिए फीडर सड़कों के रूप में कार्य करने वाले इन तीन राजमार्गों के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने पर्यावरणीय चिंताओं के साथ इस प्रकार की प्राथमिकताओं को संतुलन करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया है। देखिए पर्यावरण इसलिए चिंता का कारण बन जाता है क्योंकि आप देखिए सड़क बिछाई जाएगी तो उसके बीच में जो पेड़ काटे जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग, वहाँ की जो परिस्थिति तंत्र है वो बिगड़ेगी, उसमें भी आप देखिए हर एक तरह से हस्तक्षेप होगा। और ये आप लोग भी जानते हैं जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट चलाया जाता है तो वहाँ जंगल साफ किए जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उतने पेड़ कहीं दूसरी जगह लगाए नहीं जाते हैं। अगर आप देखिए कि अगर आप लोग 10 पेड़ हटा रहे हैं और अगर आप 10 पेड़ कहीं और लगा देते तो संतुलन बना रहता, लेकिन ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। और शीर्ष अदालत ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के सीकरी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति के गठन का भी आदेश दिया है ताकि संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए कार्यों पर पर्यावरण के प्रति जागरूक तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। अब बात आती है चार धाम परियोजना की, तो आपको बता दूं कि चार धाम सड़क परियोजना की आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2016 में रखी गई थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कि परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछ ले। तो इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? दिसंबर 2016 में। और लेकिन इस परियोजना को पर्यावरण आधार पर अदालतों में चुनौती दी गई थी और जिसमें याचिकाकर्ताओं ने परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप लगाया और कहा कि मौजूदा मापदंडों के उल्लंघन के करते हुए परियोजना पर कार्य किया जा रहा है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतना लंबा समय इसमें लगा है। एक बात और आपको बता देते हैं, केन बेतवा आप लोगों ने सुना होगा, दो नदियों को जोड़ने की बात हुई है, उसमें भी आप देखिए एक लंबा समय उसे क्लियर करने में लगा हुआ है। तो ये आप देखिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई पर्यावरण कार्यकर्ता होते हैं वो इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट चले जाते हैं। और इस परियोजना को सितंबर 2018 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी और इसके आदेश को इस आधार पर अदालत में चुनौती दी गई कि यह आदेश मामले की सुनवाई करने वाली पीठ बेंच द्वारा पारित किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। इसे आप लोग राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं, 2010 में आई हुई थी।
और पर्यावरण के क्षेत्र में ये देखभाल करती है। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की 2018 की परिपति निर्धारित चार धाम परियोजना के लिए राजमार्गों की चौड़ाई 5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें आप देखें, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने उसी वर्ष दिसंबर में राजमार्गों की चौड़ाई 10 मीटर किए जाने की अनुमति देने के लिए अदालत से आदेश में संशोधन करने का अनुरोध भी किया था। इससे क्या रहेगा कि देखिए, इस परियोजना अगर पूरी हो जाती है तो हम लोग रक्षा के क्षेत्र में, आप देखिए चाइना लगा हुआ है, हमारे उत्तराखंड देख लीजिए, सभी उस क्षेत्र में, तो एक तरह से उसमें भी हम लोगों को काफी एक तरह से इसका महत्व रहेगा। और चार धाम आप सभी जानते हैं कि हिंदुओं के लिए काफी पवित्र माने जा रहे हैं, तो इसलिए भी उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और जिसके बाद शीर्ष अदालत ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति यानी कि हाई पावर्ड कमेटी को राजमार्गों की चौड़ाई पर केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए तर्कों पर गौर करने के लिए कहा गया, और उसी के बाद ये फैसला लिया गया है। उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बात करें तो इसके द्वारा क्या निष्कर्ष निकाले गए, इन राजमार्गों के सामरिक महत्व को देखते हुए चौड़ाई 10 मीटर करने की अनुमति दी गई जानी चाहिए, और राजमार्गों के जिन हिस्सों पर पहले से ही 10 मीटर चौड़ाई पर काम शुरू किया जा चुका है वहां इसकी चौड़ाई 5 मीटर तक कम करने के लिए फिर से काम करना व्यवहारिक नहीं होता है। मान लीजिए कि आपने देखिए कुछ दूरी तक आप लोगों ने 10 मीटर की सड़क बना ली है, तो उसे घटाना बड़ा मुश्किल है। जो नुकसान हो चुका था वो नुकसान आप समझ रहे हैं, भरपाई नहीं की जा सकती है, तो इसलिए 10 मीटर इन्होंने कहा रखा गया। सड़क निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जिन हिस्सों में पेड़ काटे जा चुके हैं उन पर फिर से वृक्षारोपण करना संभव नहीं होगा, लेकिन इसका देखिए भरपाई की जा सकती है। आप दूसरी जगह आप देखिए, इतने पहाड़ डले हुए हैं, इतनी जगह डली हुई है, वहां आप लोग वृक्षारोपण कर सकते हैं। और आपने देखा होगा सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती रहती हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होती हैं। देखिए उनकी देखभाल भी करना, पेड़ लगा के भूल जाना, ये हमारे यहाँ की परंपरा बनी हुई है। आपने देखा होगा सड़कों के चारों तरफ, दोनों तरफ आप देखते हैं कि पेड़ लगाए जाते हैं, फिर उन्हें भूल जाते हैं, वो सूख जाते हैं, तो ऐसी हमारे यहाँ की नीतियां आती हैं और इस पर करोड़ों का बजट होता है। राजमार्गों की चौड़ाई 10 मीटर किए जाने मांग हेतु दिए गए तर्क की बात करें तो इस क्षेत्र में कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां सेना को भारी वाहनों, मशीनरी, हथियारों, मिसाइलों, टैंकों, सैनिकों और खाद्य आपूर्ति को लाने और ले जाने की आवश्यकता होती है। और आपको बताया कि चाइना लगा हुआ है, तो आप देखिए नेपाल भी लगा हुआ है, और आजकल चाइना और नेपाल को आप जान रहे हैं किस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए भी इन बातों को याद रखना होगा। देखिए अब संबंधित अगर हम लोग पर्यावरणीय चिंताओं की बात करें, अगर आंसर लिखने के लिए आता है इस पर, तो आप लोग इसके फायदे भी बता सकते हैं और नुकसान भी बता सकते हैं। तो पर्वतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य आपदा के लिए एक नुस्खा होते हैं, क्योंकि पेड़ों की कटाई के लिए किए जाने और चट्टानों के ढीले होने से भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। देखिए कहने का मतलब सीधा सा ऐसा है कि आप देखिए जिस क्षेत्र में आप लोग पेड़ों की कटाई कर देते हैं उस क्षेत्र की मिट्टी कटने लगती है, क्योंकि मिट्टी को आप देखिए पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो जकड़े रहती हैं। और अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए परियोजनाओं को निष्पादित किया जा रहा है, और परियोजना के तहत सड़क बनाने के लिए कथित तौर पर 25,000 से अधिक पेड़ काटे गए, जो कि पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। और उत्तराखंड में तो आप देखते हैं इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं, हमेशा आती रहती हैं, मान जान की हानि भी होती रहती है। और आप देखिए अगर आप लोग दो पेड़ काट रहे हैं तो मुझे लगता है कि दो दूसरी जगह लगा दीजिए आप लोग, इससे क्या रहेगा कि आप देखिए संतुलन बना रहेगा। चूंकि चौपहिया चार पहिया वाहनों के लिए चौड़े मार्ग बनाने के लिए ज्यादा उत्खनन और विस्फोटन करना होगा, जिससे इस क्षेत्र की स्थलाकृति फिसलन और भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगी, और परिणाम स्वरूप सभी मौसमों में चालू रहने वाले राजमार्ग बनाने का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। और अभी भी तो आप लोग सुनते रहते हैं कि यहाँ सड़क पर भूस्खलन हो गया और आवाजाही रुक जाती है, तो आप समझ सकते हैं। चार धाम परियोजना के बारे में भी बता देता हूँ। चार धाम परियोजनाओं में हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को आपस में जोड़ने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 900 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित करने और चौड़ा किया जाना शामिल है। तो इसमें 1200 करोड़, समझ रहे हैं, माफ करिए 12,000 करोड़ रुपए के करीब इसकी लागत रहेगी और 900 किलोमीटर ये सड़क बनाई जाएगी। और इस राजमार्ग को चार धाम महामार्ग, चार धाम राजमार्ग
और राजमार्ग निर्माण परियोजना को चार धाम महामार्ग विकास परियोजना भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परियोजना भी कहा जाएगा। और इसमें यहाँ आप देख भी सकते हैं, आपको बताया भी था, यमुनोत्री हो गया, ये क्या होगा, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ, इन्हीं को जोड़ने की बात हो रही है। क्या हो रही है? इन्हीं को जोड़ने की बात हो रही है। तो ये आप लोग नेपाल यहाँ आप देख ही रहे हैं, उत्तराखंड की बात हो रही है, यहाँ चाइना लगा हुआ है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। इस तरह की देखिए जो भी परियोजना रहती है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के टॉपिक से, ठीक है। और वैसे भी आपके लिए पवित्र तीर्थ है, तो कभी घूमने जाए तो आप लोगों को मालूम भी तो होना चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए एंजॉय करते रहिए, घूमते रहिए, आप भी देखिए पाप धुलते हैं या नहीं धुलते हैं।